हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने आपको तमिल लेटर्स सिखाया था, जिसमें ये सब तमिल लेटर्स था। इसको हम अ बोलते हैं, इसको आ, इसको हर्षी, इसको दीर्घी, ये है हर्ष उ छोटी उ, और ये है दीर्घ उ, यह है ए, और यह है ऐ, ये आई, इसको आई बोलते हैं, तो आई अपने पास हिंदी में नहीं है। यह है ओ, ये भी ओ ही है, उसमें थोड़ा जोर लगा के बोलते हैं ओ, तो इसको आप औ भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ओ और औ के बीच का है। और ये रहा आपको औ, ये और औ के बीच का एक मात्रा है। इस वीडियो में हम आपको मात्रा लिखना सिखाएंगे, सारे लेटर्स का मात्रा कैसे लिखते हैं। तो हमने ये चार्ट ऑलरेडी यहाँ पे रख दिया है, हम आपको बताते जाएंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। ये थ्री डॉट जो है ना, ये है अ, तो इसका इस्तेमाल बहुत कम है, तो इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। स्टार्ट करना है क से, तो हमने आपको बताया था कि जो ये है, ये है क, तो असली क ये है, और ये जब डॉट रहेगा ऊपर में तो ये आधा क होता है, ये है आधा क, और ये है पूरा क, और ये आ जाएगा आपको का। तो का लिखने के लिए क्या करना है, क के आगे एक ऐसा पाई टाइप का सिंबल लगा देना है। फिर ये जो की है, हम लोग लिखते हैं हर्षी, और ये यहाँ पे होता है दीर्घी, तो ये असल में ऐसा है, ठीक है। तो दीर्घी टाइप का जो लिखा रहता है वो हर्षी है, ये छोटी मात्रा है ई की, और ई की बड़ी मात्रा के लिए ऊपर में ऐसे लगा देना है, ऊपर में टोपी पहना देना है, तो आपको ये हो गया की। तो तमिल में क के ऊपर एक ऐसा ऐसा लगा देना है, जिसको आप बोलेंगे बड़ी मात्रा। कू के लिए क्या करना है, यहां पे इसको बंद ना करके ऐसे घुमा देना है, तो ये हो गया हर्षु, मीन्स ये छोटी मात्रा, कू की छोटी मात्रा, और बड़ी मात्रा के लिए उसी क के आगे ऐसे आगे लगा देना है, तो ये हो गया आपको बड़ी मात्रा कू। और यह है के, तो इसको के लिखेंगे, फिर यह हो जाएगा कई, कई, ये हो जाएगा काई, काई। आपने आपको बताया ना कि ये आई है, तो ये क के आगे लगाएंगे ऐसे, तो ये आई हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि हम जो है ऊपर लगाते हैं, जो भी मात्रा लगाना होता है तमिल में उसके पहले लगाया जाता है। तो जो मात्रा है के की, तो हमने क के ऊपर ऐसे लगाया, तो इसमें क के पहले ये लगाया, तो ये हो गया के। अब कई लिखने के लिए इसमें इसको ऐसे घुमाना है, तो ये हो जाएगा कई, और ये है काई, काई के लिए ये वाला मात्रा। तो ये सब मात्रा आपको बस याद रख लेना है कि इसका मतलब क्या होता है, वही चीज सब में रिपीट होगा। ये है को, ये है कौ, ये भी है कौ, दोनों का यूज अलग अलग है, ज्यादातर इसी का यूज होता है, इस वाले का ही यूज ज्यादातर होता है, तो ये आपको समझ में आ गया। फिर ये है अंग, अंग जो हम पढ़ते हैं क के लास्ट में, पहले ही बता चुका हूं ख ग घ के लिए क ही यूज होगा, और ये अंग जो था ये पूरा नहीं था, अभी ये अंग पूरा होगा, इसमें डॉट लगा हुआ है, मतलब हलंत लगा हुआ, हलंत जानते हैं आप, किसी भी लेटर को अगर आप नीचे एक ऐसा लगा देंगे तो वो आधा हो जाता है हिंदी में, तो ये डॉट लगाने से वो आधा हो जाता है, तो ऐसे करके इसमें
आ का मात्रा हो गया, जो कि हम लोग ज्यादा पढ़ते नहीं हैं, तो इसकी जरूरत हमें है नहीं, इसका इस्तेमाल होगा ही नहीं आपको ज्यादा, क्योंकि यह है अंग, अंग का इस्तेमाल बहुत कम होता है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। चलते हैं च पे, तो यह है च हलंत, मतलब आधा च, ये पूरा च, ये चा, ये ची, अब देख लीजिए ऐसे है तो आधा ची, और ऊपर है तो बड़ी ची। फिर ये इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहेंगे लेटर्स के अकॉर्डिंग, अभी जैसे क था तो इसमें ऐसे घुमाया, यहाँ पे च है तो इसमें सिर्फ एक नीचे ऐसे लगा दिया, तो वो हो गया च, चू छोटी मात्रा, और ये हो गया बड़ी मात्रा। इसमें क्या करना है, लेके फिर से यहां पर कर देना, ये बड़ी मात्रा हो गया। ये चे, सेम चीज यूज हुआ है, चय, चो, नहीं ये है चाई, चाई, क्योंकि हमने ये लगाया है, ये आई है, यहां सब जो है ये सब आई है, तो आई लगाने, आई लगाएंगे च के पहले तो हो जाएगा चाई, ये है चो, चौ एंड चौ। फिर ये है इया, इया हलंत के साथ, और यह है पूरी इया। अब इया भी हम लोग का इस्तेमाल तो होता नहीं है ज्यादा, इया का इस्तेमाल, तो इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, इसको भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये दो चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट लेटर पे, नेक्स्ट लेटर हमारा है इट, इट मतलब ट हलंत, ये पूरी ट, तो ट ट, यहाँ पे टा, तो देखिए टा के लिए क्या किया है, आगे एक पाई टाइप का लगा दिया है। टी के लिए ये है हर्षी, ये हर्षी है, तब चूंकि ये ट ऑलरेडी हम ऐसे लिख रहे हैं तो लगाएंगे कहाँ से, तो इसको यहां से अटैच करने के लिए ऐसे घुमा दिया, तो ये हो गया टी। उसी के ऊपर बड़ी ई लगा दिया, तो ये हो गया टी, तो जहां भी टी लिखना है ऐसे लिखेंगे। टू, हाँ ये हो गया, सॉरी टू, ये टू हो गया, और ये है टू, तो क्या किया, ये एक जस्ट ऐसा लाइन है उसको घुमा के ऐसे, तो टू, और उसको घुमा के अंत में एक ऐसे घुमा दिया है, तो ये हो गया टू। तो थोड़ा बहुत इसी में चेंज आपको मिलेगा, देखेंगे कि ये लेटर डिपेंडेंट है, लेटर कहाँ पे एंड होता है उसके अकॉर्डिंग इसको घुमा रहा है, तो ये थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, बाकी सबका एक ही है। टू, टे, टाई, ये टाई, टो, ये टो एंड ये भी टो। तो अब हम आपको दिखाते हैं उसके नीचे और लेटर्स कौन कौन सा है। ट के बाद हमको आता है न, तो ये है न, इनफैक्ट ये रहना चाहिए ये वाला न, ट ड ढ ण का मूर्धन्य न। चलिए उसके नीचे भी हम लिख देते हैं, ये है त हलंत, ये है न हलंत, तो ये न हो जाएगा, ये त हो जाएगा, और ये मूर्धन्य, ये है प हलंत, तो ये पूरा प, ये म हलंत, तो ये पूरा म, ये य हलंत, तो ये पूरा य, ये है र हलंत, ये पूरी र है, ये है ल हलंत, और ये है पूरी ल, ये है व हलंत, और यह है पूरी व। ये भी लॉ ही कहिए, इसका मैंने बताया था आपको कि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, लॉ बोलते हैं लॉ, तो ये हो गया लॉ। ये जो है इसको भी लॉ ही बोलते हैं, अलग अलग जगह पे यूज होता है, तो इसलिए तमिल में बहुत सारा लॉ है, एक दो और तीन। ये ट्र टाइप का है, ट्र,
इनफैक्ट इसको र बोलते हैं, लेकिन ये जहां पे ट्री ट्री टाइप का यूज होगा वहां पे हम यूज करेंगे इसको। और ये भी न है, ये भी न है। अब आपको हम ऊपर से नीचे तक दिखा देते हैं कि कौन कौन सा सेम है, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। जैसे देख लीजिए, किसी भी लेटर के आगे ये पाई जैसा लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, तो वो आ हो जाता है। ये सब में वही है, प के आगे आ, म के आगे आ, य के आगे आ, र के आगे, ल के आगे, व के आगे, ये ल के आगे, ये ल के आगे, ट्री के आगे और ये न के आगे। तो आ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी लेटर लिखिए उसके आगे ये लगा दीजिए पाए, ये हो जाएगा आपका आ। इसमें भी आप देखिएगा हर्षी में भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये सब में ऐसा यूज हुआ है, सब में ऐसा यूज हुआ है। आगे इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, जहां पे चेंज होगा उसको नोट कर लीजिए खाली, ये सब में वही यूज हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है और सब में वही है। तो ये हो गया आपको छोटी मात्रा, ई की छोटी मात्रा। तो किसी भी लेटर में ऐसा लगा दीजिए, ई की छोटी मात्रा हो जाएगा। फिर दीर्घी वाला देखिए, यहाँ भी, यहाँ भी ऐसा लगाया है, यहाँ भी ऐसा लगाया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सबके ऊपर लगा दिया है, सबके ऊपर वही है, सबके ऊपर है। कहाँ पे चेंज है? एक इसमें चेंज है, इसमें ऊपर ही लगाया बट यहीं से शुरू कर दिया है, और बाकी सब में कोई चेंज नहीं है। तो ये समझ में आ गया आपको। फिर इसमें डिफरेंस देखिए क्या क्या हो रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको। इसमें क में ऐसा घुमाया था, ये जो अंग था उसमें सिर्फ एक लाइन बढ़ा दिया, ये जो नीचे जो निकला हुआ है लाइन, बस वो लाइन बढ़ा देने से ये हर्षु का मात्रा हो गया। इसमें भी बस नीचे लाइन बढ़ा दिया है, यहां तक च है, इसको नीचे खींच दिया तो हो गया हर्षु। इसमें ऐसे घुमाया है, ट में भी घुमाया है यहां तक, ये नू है, नू। इसमें क्या किया, ऐसे घुमा के यहां पे लाया और इसके लिए एक और लाइन बनाया। तो ये जो है ना, ये वाला जो कॉलम आपको मिलेगा इसमें बहुत चेंज मिलेगा। ये आपको नोट करना चाहिए कि हर चीज का कैसे कैसे होना है। ये त है, त के लिए क्या किया, यहां तक लाया फिर इसको यहां ले गया, तो ये हुआ तू। और ये नू है, तू के हिसाब से ही नू भी लिखा है। पू लिखने के लिए हर्षी मात्रा के लिए प को नीचे खींच दिया है। नॉर्मली प जो लिखता है ये प ऐसे लिखा है, उसको नीचे खींच दिया, तो ये हो गया पू। में म लिख के इधर से लेफ्ट से, फिर य में भी नीचे खींच दिया। तो ज्यादातर में क्या किया, नीचे खींच देने से ही हर्षु मात्रा हो जा रहा है। तो अगर लाइन आ रहा है तो उसको नीचे खींच दो, तो आप देखोगे कि वो हो जाएगा यू। ये र है तो र को ऐसे कर दिया, तो ये हो गया रू, रू। ये हो गया यू, ये मू, ये लू। ऐसा आप और भी देखे थे, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी। तो ये भी एक स्टाइल है हर्षु लिखने का, और जहां पे लाइन आता है वहां नीचे खींच देना है, तो ये नीचे खींच दिया, तो ये हो गया वो, ये लू, ये हो गया नू, ये रू, ये री है एक्चुअली। जो आप री पढ़ते हैं ना, चलिए इसको मैं बता देता हूँ, एक्चुअली ये है क्या, ये ऐसा वाला जो हम लोग पढ़ते हैं वही है री। तो इसीलिए इसका यूज जो होता है जहाँ पे उड़ी टाइप का आवाज आता है ना, वेट्री, तो उसमें करते हैं यूज। तो ये हो गया हर्षु, ये भी हर्षु है और ये है नो। फिर अगला डिफरेंस आपको मिलेगा दीर्घ, दीर्घ उ में, मतलब बड़ी उ में। आपको ऊपर से दिखाया था क में नीचे लिखते हैं, इसमें इधर ये चू में फिर बाएं ही आ रहा है, नीचे लाके फिर ऊपर। टू में भी वही किया, आगे जाके गोल कर दिया। इसमें इसमें डिफरेंस देखिए, सिर्फ ये गोल का डिफरेंस है। यहां पर एक और लाइन खींच दिया, वैसे ही इसके लिए जहां जहां लाइन वाला है, जैसे ऐसे खींचा है,
उसमें एक और लाइन खींच दिया, तो ये हो गया नो, ये हो गया तू, ये नू, ये पू, प के नीचे दीर्घ मात्रा। तो इसके लिए क्या किया, इसको पहले तो सिर्फ इतना खींचा था लाइन को नीचे, फिर इसको ऐसे घुमा दिया। इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए, जस्ट आगे इसको सर्किल कर दिया तो ये हो गया मुंह। इसमें य में देखिए, जैसे प को किया वैसे य को किया, नीचे लाइन खींचा फिर उसके बाद घुमा दिया, तो ये हो गया यू। र में वही, इसमें इसमें डिफरेंस देखिए तो आगे का सिर्फ ये वाला आएगा जिसमें ऐसा राउंड किया हुआ है, तो ये हो गया रू। हम लोग भी ऐसा ही कुछ करते हैं, र ऐसे रू लिखते हैं और ऐसे रू लिखते हैं, तो ऐसा ही कुछ किया हुआ है। लू, लू में ऐसे लिखाया था तो उसके आगे एक और लाइन खींच के करना है जो पहले भी आपने देखा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो ये हो गया लू। फिर वो को वू, और यहाँ पे आ गए। अब हम देखते हैं, ये रहा लू, ये भी लू, सॉरी ये री है उसका ऊ का मात्रा, ये लू और ये नो, बाकी सब में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही मात्रा के लिए सब में वही लगेगा, ऊपर से नीचे तक एक ही चीज लगेगा, ये किसी में भी एक ही मात्रा लगाना है तो कोई डिफरेंस नहीं है, सब में एक ही लगेगा। फिर आई की मात्रा भी सेम है सबके लिए, जो भी लेटर्स के पहले लगा देंगे ये वो हो जाएगा आई। फिर ओ के लिए, आई के लिए पहले आई आएगा, आई के लिए भी सेम है। फिर आपको यहां पे देख लीजिए, ये है ओ, ओ में भी कोई डिफरेंस नहीं है, सारा सेम है, ओ पहले ये लगाना है उसके आगे पाई लगाना है, तो ये हो जाएगा ओ, दोनों कंबाइंड होके होता है। जैसे अपन लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए पो लिखते हैं, यहाँ पो हम लिखेंगे पो, उसके लिए एक लाइन खींचते हैं एक ऊपर में लिखते हैं, तो यही एक ऊपर में यहां से उठा लिया पे का ये, और आगे जो हमने लाइन खींचा था उसके लिए यहाँ पे ये लाइन हो गया, तो दोनों कंबाइन कर दीजिए तो ये हो जाएगा पो। क्योंकि आपने देखा पा के लिए क्या करना है, ये पा, और ए के लिए ये, तो ये ए और आ को मिलाएंगे तो वो ओ होता है, इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं, और आप देखिए सब में वही यूज होगा। फिर औ के लिए भी जस्ट ये चेंज हो रहा है इधर पहला वाला, बाकी लास्ट में वही रहेगा, और सारे लेटर्स में हम वही यूज करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो बेसिकली आपको ध्यान कहाँ पे देना है, ई की मात्रा में बहुत ज्यादा नहीं है प्रॉब्लम, ऊ और ऊ की मात्रा में आपको ज्यादा जोर देना है समझने के लिए, क्योंकि अलग अलग लेटर्स में अलग अलग घुमाया हुआ है। एक बार इस पे मास्टरी कर लीजिए, आपको पढ़ने में कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। अगले वीडियो में हम आपको कुछ शहर का नाम पढ़ के बताएंगे, पहले हम उसको तमिल में लिखेंगे फिर उसको हिंदी में समझाएंगे। इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद, हम आपको और भी तमिल सिखाते रहेंगे। थैंक यू।